अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी होने लगा है, मतलब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, शादी का टाइम होने लगा है और इस टाइम एडिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में समझा था कि मैंने वॉइस ओवर की भी है वीडियो पे, लेकिन वीडियो मैंने शॉर्ट्स के लिए मतलब निकाल लिए थे और वॉइस नहीं की थी, तो अभी रोज़े का टाइम है तो वॉइस कर रहा हूँ। खैर, जो जो भाई आए हैं वीडियो पे, काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको मुकेश लिए पा रहे हैं कि इसने मेरा टीममेट को नॉक एंड फिनिश दिया है, हम सब पास मौजूद थे उसके बावजूद। खैर, ये छोटी मोटी बात परेशान में लगी रहती है। अच्छा तो एक सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे उस बंदे को मैंने डैमेज इतना दिया है, लेकिन समझ नहीं आई कि मेरे से एक भी नॉक नहीं हुआ, ठीक है, और उल्टा मेरी तरफ से दोनों टीम मेट को नॉक हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रे में दोनों उनके किए, आए हाय हाय हाय। अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक थे FM पांडा गेमिंग, FM चौधरी। खैर, मुझे यहाँ पे इन दोनों का किल मिल जाता है। इनके तीसरे टीम मेट जो हैं, पता नहीं वल्ला आलम हसीब भाई की तरफ घूम फिर रहे हो। खैर, यहाँ पे हमने इनको इजी डाउन एंड फिनिश किया। उसके बाद मैंने ये लगाया जंप, और अच्छा इसमें अब दो बंदे थे, दो टीम्स थी, यानी कि अब एक ऊपर जो बंदा था ना वो अलहदा सा था, और जो नीचे वाला था ना वो अलहदा ही था कोई। तो खैर, ये डेंजर वाइटी भाई थे, HP डेंजर वाइटी, तो यानी कि ये पूरा स्क्वाड इनका ना गेमिंग पांडा गेमिंग या इस तरह से करके आया हुआ था। खैर, अब नीचे जिसका प्लेन था ना उसने उमैर को नॉक एंड फिनिश कर दिया और वहाब भाई को भी नॉक कर दिया ना। तो खैर, मैंने यहाँ पे इसको तालिबान को डाउन किया इजीली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसके साथ 11 किल हो चुके हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि यार रोज़ा किस किस को लग रहा है अब। तो खैर, मुझे तो आज यकीन माने बहुत गर्मी थी और मुझे आज बड़ी प्यास लग रही है, तो रोज़ा खुल के साथ में जो है ना सबसे पहले खजूर के साथ खोलूँगा, उसके बाद पानी, ठीक है। तो गर्मी क्योंकि धूप आजकल बहुत तेज़ है तो क्या कर सकते हैं। और अच्छा, अब भाई ये दोनों ओपन में आके ना स्प्रे देते हैं, यानी कि इनके तीनों के तीनों बंदे ना 1v3 हो जाता है इन पे। ये तीनों बंदे आकर स्प्रे देते हैं तो इनको यहाँ से मैं डैमेज देता हूँ, बट फिर नहीं कोई काम नहीं बनता ना, तो मैं इन पे पुश कर देता हूँ ना, तो ओपन में पुश कर देता हूँ, क्योंकि अब ऊपर मेरे पीछे जो दो टीममेट थे वो मुझे कवर दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे आप कवर दो, मैं आस्ता आस्ता आगे जाता हूँ। खैर, इन्होंने मुझे फिर भी अच्छा डैमेज दिया, तो लेकिन रिज थी जिसकी वजह से मैं बच गया, यानी कि उन्होंने डैमेज अच्छा देने की कोशिश की लेकिन मैं रिज की वजह से बच गया। खैर, फिर जब मेरे टीममेट ने मुझे कवर दिया तो ये फौरन से कवर में हो गए, और यहाँ पर मैंने जो है ना इन भाई को एक को डाउन कर दिया, और यहाँ पर दूसरा भाई भी डाउन हो गया, शेख भाई यहाँ पे हमारे डाउन हो गए, और तीसरा जो बंदा था मेरे टीममेट ने मार किया कि वहाँ पे है ना, इसको तो पब्लिक क्या ही हेड पर रहे हैं। आए हाय हाय हाय, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे यसनाया से फैद आता है कि यसनाया बंदे हैं। अच्छा, मैं इनके साथ क्या करता हूँ, मैं इनका होल्ड करता हूँ, मैं कहता हूँ चल यार बैठने दे, जो भी बैठते हैं तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों को समझ भी नहीं आती कि कैसे लोबी वापस पहुँच गए हैं। तो काफ़ी अच्छा मैच था, 17 किल निकल आए थे, और यहाँ पे दोनों के दोनों किल मुझे मिलते हैं। सो एक भाई लेके भी होते हैं, दूसरे भाई को इजी डाउन कर देता हूँ मैं, तो इसी के साथ वीडियो एंड होगी है। बाकी लव यू हो गया, सबको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।